रेफ्रिजरेटर अंदर रखी हुई वेजिटेबल्स और पानी को तो ठंडा करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि हम उन पर खाना पका सकते हैं। तो फ्रिज के बाहर इतना ज़्यादा टेम्परेचर और अंदर की तरफ एकदम ठंडा ठंडा, यह कैसे पॉसिबल है? इसके अलावा कई बार जब फ्रिज खराब होता है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि इसकी गैस खत्म हो गई होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके पीछे की साइंस इस वीडियो में 3D एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं। जो रेफ्रिजरेटर का हार्ट होता है वह कंप्रेसर होता है। यह एक रिसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर है। इसके अंदर एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। जब यह मोटर रोटेट करती है तो इससे जुड़ा हुआ पिस्टन कुछ इस तरीके से मूव करता है और यहाँ पर जो गैस होती है उसको कंप्रेस करके पंप करने का काम करता है। इन कंपोनेंट्स की वर्किंग रेफ्रिजरेटर की बॉडी को थोड़ा सा साइड में रखकर अच्छे से समझते हैं। कंप्रेसर एकदम पैक होता है क्योंकि इसके अंदर एक गैस भरी जाती है जिसका नाम है फ्रियोन R134A, जो आजकल कॉमनली यूज होती है, और मोटर और कंप्रेसर दोनों मिलकर इस गैस को पंप करने का काम करते हैं। जब कंप्रेसर इस गैस को कंप्रेस करता है तो इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर देता है और प्रेशर 8 बार तक बढ़ा देता है, और इस गैस को हम रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं। अब यह टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो इसको हमें डाउन करने की ज़रूरत है, इसलिए इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाले रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर यूनिट के पास में भेजा जाता है, जो रेफ्रिजरेटर के पीछे लगी हुई कुछ ऐसी ट्यूब होती है जो हमें आसानी से दिखाई दे जाती है। और इस ट्यूब से जब हाई टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है तो बाहर के एनवायरनमेंट से हीट एक्सचेंज करने लग जाता है, क्योंकि कंडेंसर कोयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत कम, तो रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे कूल होने लगता है। कंडेंसर के ऊपर कुछ इस तरीके के सपोर्टिंग वायर लगे रहते हैं जो कंडेंसर को सपोर्ट भी करते हैं और रेफ्रिजरेंट को कूल करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि यह कंडेंसर ट्यूब से टच रहते हैं तो कंडेंसर ट्यूब का टेम्परेचर कुछ इनमें ट्रांसफ़र हो जाता है और एनवायरनमेंट से यह हीट को एक्सचेंज करके रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने में हेल्प करते हैं। जब रेफ्रिजरेंट इतना लंबा रास्ता तय करके कंडेंसर कोइल से बाहर निकलता है तो इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिड्यूस हो जाता है, और जब टेम्परेचर डाउन आता है तो गैस लिक्विड में बदलने लग जाती है। इसको थोड़ा आसानी से समझे तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह वेपर में बदल जाता है, और जब उनको ठंडा करते हैं तो वापस लिक्विड में बदलने लग जाता है, तो ठीक ऐसा ही इस गैस के साथ में होता है। कंडेंसर यूनिट से जब गैस बाहर निकलती है तो यह थोड़ी ठंडी होकर लिक्विड में बदलना शुरू हो जाती है। अब कंडेंसर यूनिट से निकलकर यह रेफ्रिजरेंट जाता है कैपिलरी ट्यूब के पास में। कैपिलरी ट्यूब कुछ इस टाइप का एक कॉपर की ट्यूब होती है जिसका डायामीटर 0.5 mm से लेकर 2.2 mm तक होता है, और इसकी लेंथ मैक्सिमम 5 मीटर तक हो सकती है। कैपिलरी ट्यूब एक थ्रोटल डिवाइस होती है जो हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलने का काम करती है, और यही वह डिवाइस है जो रेफ्रिजरेंट को एकदम ठंडा भी कर देती है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कैपिलरी ट्यूब सिर्फ और सिर्फ एक कॉपर की ट्यूब होती है, और इसमें ना कोई इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है ना ही इसमें कोई मूविंग पार्ट होता है। जो प्रेशर ड्रॉप होता है वह इस ट्यूब की लेंथ के डायरेक्ट प्रपोजन में होता है और डायामीटर के इनवर्स प्रपोजन में होता है। तो जैसे जैसे इस ट्यूब का डायामीटर कम होता जाएगा तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ता जाएगा, और हम लेंथ भी इंक्रीज कर देते हैं डायामीटर के साथ में तो प्रेशर ड्रॉप और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर ड्रॉप का आपको सिंपल मतलब समझने की ज़रूरत है। प्रेशर ड्रॉप बढ़ रहा है मतलब प्रेशर का ड्रॉप जो है वह बढ़ता जा रहा है, यानी एक्चुअल में प्रेशर कम हो रहा है। तो जब रेफ्रिजरेंट इस कैपिलरी ट्यूब से बाहर निकलता है तो उसका प्रेशर ड्रॉप होकर 0.6 बार तक पहुंच जाएगा, और जब इतना प्रेशर का ड्रॉप हो जाएगा तो टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो जब इस ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट एंटर हो रहा था तो उसका टेम्परेचर था 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब बाहर निकलेगा तो उसका टेम्परेचर -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा, और जब टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा तो 75% जो गैस थी वह लिक्विड में बदल जाएगी। रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रियोन गैस काम में लेते हैं जिसका नेचर होता है वह बहुत जल्दी ठंडी होकर लिक्विड में भी बदल जाती है और बहुत जल्दी गर्म होकर वेपर में भी बदल जाती है, इसीलिए फ्रिज के अंदर इसी गैस को काम में लेते हैं। स्ट्रेनर जो एक फिल्टर का काम करता है और रेफ्रिजरेंट को एकदम प्योर फॉर्म में आगे भेजता है ताकि आगे कोई ट्यूब में ब्लॉक ना आ जाए। स्ट्रेनर से निकला हुआ रेफ्रिजरेंट पहुँचता है इवेपोरेटर कोइल के पास में, और इवेपोरेटर कोइल भी एक ट्यूब ही होती है, और यह रेफ्रिजरेटर का जो बॉक्स होता है उसके अंदर की तरफ होती है। सिर्फ यही कोइल है जो रेफ्रिजरेटर की बॉडी में सेट रहती है, बाकी पूरा मैकेनिज्म बाहर ही रहता है।
रेफ्रिजरेटर में जो सबसे ऊपर का बॉक्स होता है, जिसको हम फ्रीजर बोलते हैं, वहाँ पर यह कोयल लगी रहती है और इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा फ्रीजर में ही होता है। इसलिए इस बॉक्स में बर्फ़ आसानी से जम जाती है, क्योंकि इस कोयल के अंदर एक बहुत ज़्यादा ठंडा लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। तो फ्रिज के अंदर जब हम कोई वेजिटेबल या फ्रूट रखते हैं, तो उसकी गर्मी को इस कोयल में चल रहा रेफ्रिजरेंट एक्सचेंज कर लेता है, अपनी ठंड को वेजिटेबल को दे देता है और गर्मी को अपने पास में लेकर आगे निकल जाता है। यदि एक गर्म और एक ठंडी बॉल पास में रखी हुई है, तो गर्म बॉल ठंडी बॉल को थोड़ा सा गर्म कर देगी और ठंडी वाली बॉल गर्म वाली को थोड़ा ठंडा कर देगी। इस तरीके से दोनों अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करती रहेगी। तो ठीक ऐसा ही फ्रिज में होता है। जब इवेपोरेटर कोयल फ्रिज में रखे हुए किसी भी वेजिटेबल फ्रूट की गर्मी को एक्सचेंज करती है, तो इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वह वापस वेपर में बदलने लग जाता है गर्म होकर, यानी वापस गैस में बदलने लग जाता है। और जब यह गैस इवेपोरेटर कोयल से बाहर निकलती है, तो वापस फिर से इसको कंप्रेसर के पास में भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर कोयल से बाहर निकलता है, तो वह पूरा गैस में नहीं बदल पाता है, क्योंकि कई बार होता है कि फ्रिज में कुछ रखा हुआ ही नहीं है, तो रेफ्रिजरेंट किससे हीट को एक्सचेंज करेगा। और जो कंप्रेसर यूनिट होती है, उसमें यदि रेफ्रिजरेंट एक भी बूंद लिक्विड फॉर्म में चला गया, तो उसमें तो मोटर होती है और मोटर खराब हो जाएगी और फिर पूरा कंप्रेसर बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसको खोलकर ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए कंप्रेसर के पास में एक्यूमुलेटर को सेट किया जाता है, जो इवेपोरेटर कोयल से आ रहे लिक्विड को पूरी तरीके से गैस में बदल देता है और लिक्विड को अपने पास में रोक लेता है, और फिर कंप्रेसर के पास में रेफ्रिजरेंट को सिर्फ और सिर्फ गैस फॉर्म में ही भेजेगा। उसके बाद में फिर से वही प्रोसेस चलती है। तो रेफ्रिजरेटर का जो सिस्टम होता है, वह क्लोज लूप में काम करता है। यदि कोई लीकेज हो जाए, तो ही रेफ्रिजरेटर की गैस खत्म हो सकती है, अदरवाइज इसकी गैस लाइफ टाइम तक चलती है। लेकिन आप कई बार नोटिस करोगे फ्रिज में कि जो इवेपोरेटर कोयल है, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपने गर्मियों में देखा होगा, जब हम किसी ग्लास में एकदम ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं, तो उसके चारों तरफ पानी की बूंदें जम जाती है। तो ठीक ऐसा ही इवेपोरेटर कोयल के साथ में होता है। फ्रिज के अंदर जो भी थोड़े बहुत वाटर वेपर होते हैं, जब कोयल ठंडी होती है, तो उसके पास में चिपक जाते हैं और कोयल के चारों तरफ ही बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से इवेपोरेटर कोयल सही से हीट एक्सचेंज नहीं कर पाती है और इवेपोरेटर कोयल लिक्विड को गैस में नहीं बदल पाती है। इसलिए इवेपोरेटर कोयल के चारों तरफ एक हीटर कोयल भी लगी रहती है, जो हर 5 से 6 घंटे बाद में ऑन होती है और इवेपोरेटर कोयल के ऊपर कोई बर्फ जमी हुई है, तो उसको हटा देती है और यह बर्फ पिघलकर पीछे की तरफ एक कंटेनर में पानी के रूप में कलेक्ट हो जाती है। इवेपोरेटर कोयल सिर्फ फ्रीजर में ही लगी रहती है ऊपर की तरफ, बाकी नीचे बचे हुए फ्रिज में ठंड का इफेक्ट देने के लिए फैन लगे रहते हैं, जो पूरे फ्रिज को कूल करते रहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि कंप्रेसर फ्रिज का हार्ट होता है, तो फ्रिज में दिमाग भी होता है और उसका दिमाग का नाम है थर्मोस्टेट। जब हम कूलिंग इफेक्ट को कम या ज़्यादा करते हैं, तो उस टाइम थर्मोस्टेट कंप्रेसर की स्पीड को कम या ज़्यादा करके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यदि हम फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन में थर्मोस्टेट कंप्रेसर को स्लो स्पीड में रोटेट करवाएगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर कम गैस को पंप कर पाएगा और कम कूलिंग इफेक्ट दिखेगा। जो डीप फ्रीज होते हैं, उनमें कंडेंसिंग कोयल का स्ट्रक्चर बदल दिया जाता है, जो कुछ इस टाइप का होता है, और उसमें एक फैन लगा रहता है, जो कंडेंसिंग कोयल की गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है। बाकी काम करने की प्रोसेसिंग सभी फ्रिज की एक ही जैसी होती है।